Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. 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 Hallelujah. Please come back, everybody. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो मैं आज आपको बता रहा हूँ हानुका के विषय में. हानुका प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से 167 ईयर्स पहले एक ऐसी घटना घटी कि सेलुसिडियन किंगडम का राजा जिसका नाम था एंटियोकस द एफेफेन्स, उसने इसराइल पे हमला किया, यरूशलेम को अपने कब्जे में किया और उसने एक बहुत घिनौना काम किया. उसने यहोवा परमेश्वर की हैकल को अपवित्र किया. एंटियोकस द एफेफेन्स एक ऐसा राजा है जिसके अंदर शैतानी आत्मा घुसी है, वो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है. आपको मालूम उसने अपना नाम एफेफेन्स रखा, जबकि एंटियोकस सभी रूलर्स के नाम होते थे, पर उसने विशेष तौर पे अपना नाम रखा एफेफेन्स. ग्रीक में एफेफेन्स का मतलब होता है गॉड मैनिफेस्ट, गॉड इन ह्यूमन बॉडी, गॉड इन फ्लैश. एफेफेन्स अपने आप को बोलता था मैं देहधारी परमेश्वर हूँ, और वो सेनाओं के यहोवा के विरुद्ध खड़ा हुआ. यरूशलेम की हैकल को उसने पवित्र किया और उसने वहाँ पे जूस देवता के लिए, जिसकी वो पूजा करता था, ग्रीक पैंथियन का सबसे बड़ा देवता था जूस. हालेलुया. आपको मालूम खुदावंद यीशु मसीह जब गैदरीना के इलाके में गए, गैदरीन्स बॉर्डर पे है और गैदरीन्स की दूसरी तरफ अन्य जाति के लोग हैं जो जूस की पूजा करते हैं, और वहाँ पे जूस देवता का एक टेंपल है और जूस देवता को कुर्बानी में सुअर चढ़ाए जाते हैं. और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ गए एक व्यक्ति के लिए जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा है, दिन रात अपने आप को पत्थरों से घायल करता है. और आपको मालूम पत्थरों जो पत्थर से वो घायल करता है, ग्रीक वर्ड है लीथोस. ये आम पत्थर नहीं है, ये क्ले टैबलेट हैं. ये मिट्टी को भट्टी में सुखाया जाता है, उसके ऊपर कलाम लिखा होता है, 10 नियम, 10 कमैंडमेंट्स, ये उसकी लीथोस हैं. वचन में प्रेरित पौलुस यही शब्द इस्तेमाल करता है कुरिन्थियों की पत्री में, जब प्रेरित पौलुस कहता है कि पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ कलाम, लीथोस के ऊपर लिखा हुआ कलाम जब महिमा से आया, तो वो कलाम जो हमारे दिल की तख्तियों पे, दिल की लीथोस, वो लीथोस थी, क्ले टैबलेट थी जिनके ऊपर कलाम लिखा था. ये व्यक्ति उससे अपने आप को मारता था लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया, तो खुद देहधारी कलाम आया उसे चंगा करने के लिए, जिसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह. उसने झुंड निकाला बदरुओं का, बदरुओं ने उसके आगे विनती की कि हमें बियाबान में मत भेजिए स्वामी, यहुशा हमशियाक, बेन एलेलियोन उसे कहती थी बदरुएं, महाप्रतापी परमेश्वर के पुत्र. यीशु मसीह ने बदरुओं की दुआ भी सुन ली. बदरुओं ने ये मांगा कि हमें सूरों में डाला जाए, यीशु मसीह ने उन सूरों में डाल दिया बदरुओं को. वह सूअर जूस देवता को चढ़ाए जाने थे, इसलिए वो पुजारी थे जूस देवता के, जो यीशु मसीह से आके कहते हैं हमारी हदों से निकल जा. तो इस जूस देवता की ऑल्टर एफेफेन्स ने, जो अपने आप को कहता मैं देहधारी परमेश्वर हूँ, यहोवा की टेम्पल में खड़ी की और वहाँ पे सूअर चढ़ाए. तो परमेश्वर के धर्मी जनों ने, वहाँ पे एक याजक था, महायाजक, जिसका नाम था मत्तीताहू, मत्थायास भी कहते हैं लेकिन मत्तीताहू जिसको हम मत्ती बोलते हैं नए नियम में, मत्तीताहू, उसके 5 बेटे थे. एक का नाम था जोखनान अर्थात यहुन्ना, दूसरे का नाम था सिमियन, और एक बेटे का नाम था इलियाजार, एक का नाम था जोनाथन और एक का नाम था जूडा. इस याजक के 5 बेटों ने विद्रोह किया, उन्होंने इंसर्जेंसी की, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और राजा उस
राजा के विरुद्ध में आक्रमण कर दिया, बलवा कर दिया, और मतीताहू मारा गया उस युद्ध में। लेकिन उसका बेटा जिसका नाम था जूडा, उसके ऊपर यहोवा का आत्मा उतरा। हालेलुया। आपको मालूम उसका नाम क्या पड़ा? जूडा द मकबीज, जूडा हा मकबी। आपको मालूम मकबी का मतलब क्या होता है? मकबी का मतलब है हैमर, हथौड़ा। यहूदा टूट पड़ा सेलुसिडियन किंगडम के राजा के ऊपर, जिसने यहोवा की हैकल को पवित्र किया था। कैसे टूट पड़ा? हालेलुया, हथौड़ा बनके। परमेश्वर के कलाम में लिखा हथौड़ा बनके टूट पड़ा, और उन्होंने एफिफेन्स को हराया, यरूशलम के ऊपर कब्जा किया, यरूशलम की हैकल को दोबारा शुद्ध किया। और आपको मालूम इस 8 दिन की लड़ाई में एक अद्भुत बात क्या हुई? यहोवा परमेश्वर की हैकल के अंदर जो मनोरा, जिसे ग्रीक में लुकना कहते हैं, 7 दीवट जो जलते हैं, प्रभु यहोवा की आज्ञा थी कि इन 7 दीवटों में, मनोरा में, इन द मॉर्निंग यू पुट प्योर ऑयल फ्रॉम द क्रश्ड ऑलिव, विच इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। व्हेन यू क्रश फ्रेश ऑलिव, द फर्स्ट ऑयल दैट शूट्स आउट ऑफ द ऑलिव, That is reserved for the Lord. जब जैतूनों को पत्थरों के बीच में रख के क्रश किया जाए और उनमें से जो पहला तेल निकले वो पवित्र तेल यहोवा की हजूरी में चढ़ाया जाए और उस तेल से याजक मनोरा को भरे। हालेलुया। आपको मालूम वहां पे मट भरे होते थे खालिस जैतून के तेल के, एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल यहोवा के लिए होता था, ताकि यहोवा परमेश्वर मनोरा में डाल के जलाया जाए। 7 चराग जले यहोवा के आगे। तो जब ये लड़ाई लगी तो सारा तेल अपवित्र कर दिया। किसने? एंटियोकस एपिफेनेस ने खराब कर दिया, उसको दूषित कर दिया। लेकिन एक टैंक बिल्कुल बंद किया बचा हुआ था, जिसे मतताहू जो महायाजक था उसने छिपा के रखा था। लेकिन वो उसके अंदर जो ऑयल था वो केवल एक, हालेलुया, तो उसके अंदर जो ऑयल था 1 दिन के लिए काफी था। और ये विद्रोह चलता रहा, याजक अंदर टेंपल के जाके तेल नहीं डाल सकते थे मनोरा में। सुपर नेचुरली यहोवा परमेश्वर ने 1 दिन का तेल 8 दिन तक जलाए रखा, 8+1 ऑफकोर्स 9 डेज। वो सुपर नेचुरली स्वर्ग से तेल उतरता रहा उसके अंदर और मनोरा जलता रहा। इसलिए हानुका का पर्व बड़ा खास पर्व है, जो 10 दिसंबर से चल रहा है, 18 दिसंबर तक चलेगा। कई बार इसी पर्व को लोग क्रिसमस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि शायद हनुका के समय यीशु मसीह पैदा हुआ, इसलिए क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन क्रिसमस का पर्व मात्र सेटरनेलिया है, मात्र निमरोद, सेमरामिस और तमूज की पूजा है। हालेलुया, सन गॉड की पूजा है। उसे रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर लेकर आई है। प्रेरित इस पर्व को नहीं मनाते थे, पहली कलीसिया इस पर्व को नहीं मनाती थी। पहली कलीसिया केवल यहोवा के पर्व मनाती थी जो 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में लिखे हैं, जिनकी आज्ञा यहोवा ने दी है। ये एक पेगन पर्व है और इसकी जड़ें शैतानी हैं। सुन लीजिए, आप अध्ययन कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये मनोरा जलती रही सुपर नेचुरली, हालेलुया, और टेंपल को साफ कर दिया गया, पवित्र कर दिया गया, यहोवा के लिए डेडिकेट कर दिया गया। अगर आप पढ़ेंगे योना रचित सुसमाचार 10:22 से, अगर आप पढ़ेंगे ना योना रचित सुसमाचार 8:9-10, ये एक ही चैप्टर है पूरा, ध्यान रखना कि दोनों मुड़ना है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? 8:12 योना रचित सुसमाचार, यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। आपको मालूम हनुका को कैसे यहूदी लोग सेलिब्रेट करते हैं? वो चिराग जलाते हैं पूरे इसराइल में, मोमबत्तियां, कैंडल जलाते हैं। यीशु मसीह वहां पहुंचा और कहने लगा कि बेशक तुम कितनी मोमबत्तियां, कितने चिराग, कितनी रोशनियां क्यों ना जलाओ, तुम्हारे अंदर का अंधेरा नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर के अंधेरे को मिटाने के लिए जो ज्योति है वो मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति मैं हूं।
यीशु मसीह स्वयं प्रतिष्ठा के पर्व पे गए। इसे प्रतिष्ठा का पर्व कहा गया, द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन विच इज कॉल्ड हानुका। परमेश्वर की हैकल को दोबारा से यहोवा को समर्पित किया गया, रिन्यूअल किया गया, टेम्पल का दोबारा से शुद्ध किया गया। और यीशु मसीह इस पर्व पे जाके कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं, जितनी मर्जी मोमबत्तियाँ जलाइए, जितनी मर्जी कैंडल जला लीजिए, जितने मर्जी तारा अपने घर की छत पे टांग लीजिए, अगर मैं तुम्हारे जीवन में नहीं तो तुम्हारे अंदर अंधेरा है। वचन में लिखा, सच्ची ज्योति जगत में आई, सच्ची ज्योति जो मनुष्य को ज्योति देती है। योना रचित सुसमाचार में, योना रचित सुसमाचार में लिखा, इन हिम वॉज द लाइट, उसमें ज्योति थी, एंड द लाइट वॉज द लाइफ ऑफ मैन। वो ज्योति मनुष्यों का जीवन है, वो सच्ची ज्योति जो अंधेरे में चमकती है, लेकिन अंधेरा उसे ग्रह मालूम। अंधेरे के लिए यूनानी शब्द है स्कॉशिया। ये बाहरी अंधेरा नहीं है भाई और बहनों, भाई और बहनों, ये वो अंधेरा है जो पाप के कारण मनुष्य के जीवन में पैदा हुआ, और मनुष्य के हृदय को इस पाप के अंधेरे ने भरा हुआ है। हिब्रू वर्ड है होजेक, अंधेरे के लिए गहन अंधेरा है मनुष्य के अंदर। इसलिए यही प्रार्थनाएं की जाती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कनेक्शन डिसकनेक्शन बहुत है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं हूं वह ज्योति जो तुम्हारे अंदर का अंधेरा मिटा सकती है। भाई और बहनों, मनुष्य के अपने परंपराएं, रीति रिवाज, मनुष्य के अपने बनाए मार्ग, मनुष्य के अपने साधन, अपनी डिनोमिनेशन, अपने पर्व अंधेरा नहीं मिटा सकते। केवल खुदावंद यीशु मसीह ये अंधेरा मिटा सकता है। आप पढ़िएगा 23 भजन संहिता, 23 भजन संहिता को हनुका हा बेत कहा जाता है। हालेलुया, हनुका के पर्व का भजन कहा जाता है। तो यीशु मसीह जगत की ज्योति है, असली हनुका खुदावंद यीशु मसीह है, असली हनुका यीशु है, वो तेल खुदावंद यीशु मसीह है। वचन में लिखा है यशाया 53 में, क्या लिखा वहां पे, इट प्लीज द फादर टू क्रश हिम, पिता को भाया कि यीशु मसीह को कुचल डाले। कौन है यीशु मसीह? वो जैतून है असली, जिनमें से तेल निकलता है। यीशु मसीह वो दाखलता है, अंगूर है जिसमें से असली दाखरस निकलता है। यीशु मसीह को क्रश करके पवित्र तेल निकलता है जो जलता है और अंधेरे को दूर करता है। वो मनोरा आपके अंदर जलना चाहिए, हमारे अंदर ये हनुका प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन प्रतिष्ठा, इस टेम्पल को, ये मंदिर है, इसे प्रतिदिन डेडिकेट करना है प्रभु के आगे। रोमियो 12:2 में लिखा है, अपनी देहों को जीविता, मन भावता और पवित्र बलिदान करके यहोवा को अर्पण करें प्रतिदिन, ताकि परमेश्वर की मर्जी आपको पता लगे और आप परमेश्वर की विल के अनुसार, मर्जी के अनुसार जीवन गुजार सकें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे। मैं अभी विराम लूँगा और दिन में मैं देखूँगा दोबारा, इफ़ वी गेट टाइम विल We'll have another teaching session. The Lord bless you all. Amen.